ऑलराइट सो हे गाइस, व्हाट्स अप दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर। यह है क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड, वाटर, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन और डिफरेंट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये क्योंकि बच्चों वाला क्लासेस का है, तो जैसे कि मैंने पहले बोलता रहता हूँ दैट एक बच्चों का स्टोरी रहता है। सो ऑफकोर्स दीज स्टोरीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर्स, बट वॉट इज द थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज द कंटेंट, राइट? मेन कंटेंट पहला स्टार्ट किया है यहाँ पर लैंड के बारे में। देखो टॉपिक ही वही है, ठीक है, लैंड, सॉयल, वाटर, सो सब कुछ के टॉपिक के बारे में जस्ट डिस्कशन किया गया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लैंड, लैंड जो है ना, ये है अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। जी हाँ, क्यों भैया? क्योंकि आप जो है लैंड के ऊपर ही रहते हो। लैंड नहीं रहता तो बताओ हम लोग रह सकते थे? का हवा में तो नहीं उड़ते ना, पानी में तो अपन रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लैंड ही जो है सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें अपन रहते हैं। तो पूरा दुनिया में अगर देख लीजिएगा तो लैंड का कवरेज अराउंड 30% है, ठीक है। वहीं पर ओशन का कवरेज अराउंड 70% है, ठीक है। एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉन हैबिटेबल। बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स हैं दोस्तों हमारे लैंड के जो कि बिल्कुल ही इनहैबिट नहीं किया जाता है। जैसे देखो अंटार्कटिका भी एक लैंड ही है, ठीक है, ग्रीनलैंड में भी लैंड ही है, बट बहुत सारे पोर्शंस जो है इसमें मनुष्य रह नहीं सकते हैं, ठीक है। साइबेरियन रीजन में बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर मनुष्य रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो लैंड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, ठीक है, बट पूरा लैंड इज नॉट यूजेबल बाई अस ह्यूमंस। और लैंड का भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा तो काफ़ी अनइवन है। इनफैक्ट लैंड में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में अलग अलग है। क्यों भैया? क्योंकि अलग अलग पार्ट ऑफ जो है दुनिया में वहाँ पर लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स और वहाँ का क्लाइमेट विभिन्न अलग अलग किस्म के हैं, ठीक है। इसलिए हर जगह जो है इंसान नहीं रह सकते हैं। वैसे ही जगह में इंसान रह सकते हैं जहाँ पर इंसान की जो नॉर्मल नीड्स होती है वो पूरी होती है, ठीक है। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, उसके बाद डेजर्ट एरिया या फिर वैसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल है, दैट इज थिक फॉरेस्टेड एरिया, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पार्शली पॉपुलेशन रीजन आपको मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते, या तो लोग नहीं रहते हैं या फिर अनइनहैबिटेड रीजन है ये सब। मतलब यहाँ पर लोग रह एकदम बिल्कुल ही नहीं रहते, या तो थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा दूर दूर में हैमलेटेड सेटलमेंट के तौर पर, या फिर रहते ही लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्श क्लाइमेट रीजन्स रहते हैं, ठीक है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से हमें खाना मिलता है, इसीलिए जो प्लेन लैंड के ऊपर है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड। जी हाँ, इसीलिए जो है ना प्लेन रीजन जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरा दुनिया का। ये देखो ये यहाँ पर देख लो, ये जो है आपका पानी जा रहा है, ठीक है, ये पानी जहाँ से जा रहा है उसके इर्द गिर्द देखो पूरा सेटलमेंट भरा हुआ है, देख रहे हो। बट जैसे भी इसके दूर अब जाते रहोगे, देखो दूर जैसे जाते रहोगे वहाँ से सेटलमेंट आपको घटता रहेगा। देखो इस रीजन में सेटलमेंट है ना, इस रीजन में, बट क्या इस रीजन में आपको उतना ज़्यादा सेटलमेंट दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दूर वाला रीजन है, समझ रहे हो। मतलब पानी के इर्द गिर्द जो है सेटलमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से बसता है। लैंड यूज की अगर चर्चा करें तो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जी हाँ, लैंड का इस्तेमाल अलग अलग विभिन्न किस्मों के तरह किया जाता है। आप खुद ही बताओ ना यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हो। देखो खेती बाड़ी जैसे हम लोगों ने बोला उसके लिए लैंड का इस्तेमाल किया जाता है। लैंड में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं क्या नहीं? आप जो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हो, तो किसको खोदते हो? लैंड को ही ना खोदते हो भाई। तो अल्टीमेटली लैंड से ही ना माइनिंग एक्टिविटीज़ भी हमें मिलती है ना। उसके बाद इस लैंड्स के ऊपर ही हम अपने हाउसेस को बिल्डअप करते हैं, रोड्स को सेटअप करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। तो जो जो यूटिलाइजेशन हम लैंड का करते हैं ना वो सब आता है लैंड यूज़ में। दैट इज़ किस किस के कारण आई मीन लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस चीज़ों में लगता है, वो चीज़ है यहाँ पर जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। कैन यू लिस्ट आउट डिफरेंट वेज इन विच, अच्छा ये तो अलग है, मतलब वो स्टोरी से रिलेटेड है। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स। अच्छा ये जो लैंड का भी यूटिलाइजेशन है ना वो भी फिजिकल फैक्टर डिटरमाइन करता है, जैसे टोपोग्राफी है ना। अब अगर पहाड़ों में अगर आपका लैंड है
तो आप शायद उस लैंड में कुछ अलग एक्टिविटीज कीजिएगा, बट वहीं पर अगर आपका आपका लैंड अगर प्लेन एरिया में है तो वहां पर आप अलग एक्टिविटीज कीजिएगा। क्यों भैया? क्योंकि दोनों जगह की टोपोग्राफी अलग है। या फिर अगर आप एग्रीकल्चर कर भी रहे प्लेन एरिया में तो नॉर्मल एग्रीकल्चर होगा, बट वहीं पर जो है माउंटेनियस एरिया में वहां पे टेरेस फार्मिंग आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। उसके बाद बहुत रीजन में सॉइल्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं। सोचो कोई रीजन में अगर आपको सॉइल फर्टिलाइज्ड मतलब ज़्यादा उपजाऊ अगर सॉइल ना हो तो वहाँ पे आप कैसे ठीक से फसल उगा पाओगे, ठीक है। क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर अदा करता है ना। जैसे कि मैंने बोला ना दैट बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं दुनिया के जो कि अनइनहैबिटेड रीजन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है लोग रहने के लिए लोगों का कंड्यूसिव फैक्टर ही नहीं है, और सबसे मेन चीज़ होता है खाना, है ना। खाना पेट में नहीं है तो कहाँ से आप जियोगे, ठीक है। और उस रीजन्स में जो है आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, ठीक है। मिनरल्स भी एक बहुत एक मेजर फैक्टर है। सोचो जैसे आप ले लो डेकन प्लेट्यू, ठीक है। डेकन प्लेट्यू में आप कुछ अगर फसल उगाते हो और नदन प्लेस जो क्या काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाई सॉरी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पे आप ज़्यादा फसल उगाते हो, तो ऑफ कोर्स किस रीजन में उगेगा? वही रीजन जहाँ पर ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ होगा, ठीक है। तो मिनरल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी से ही सब काम होता है। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो क्या फर्दर आपको इन्फ्लुएंस करता है दैट कोई कोई लैंड का कैसे हम इस्तेमाल करें, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। जैसे आप देख लो तमिलनाडु में थेनी हिल्स है, तो वहाँ पे हम लोग जो है एज सच उसको वहाँ के जंगलों को काट के हम कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, बट कि हम अंडरग्राउंड जो है न्यूट्रिनो प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ का लैंड यूज अलग किस्म का हो रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। तो बिल्कुल अलग चीज़ है ये सब, है ना। अच्छा, लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज का यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट अदर कंट्रीज में कितना कितना प्रोपोर्शन ऑफ लैंड यूज कैसे किस किस फैक्टर में किया जाता है। जैसे यूएसए में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा लैंड यूज जो है दैट इज फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है यूएसए में, ठीक है। वहीं पर अगर आप जापान में देख लीजिए तो वहाँ पर भी फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, बट इंडिया में अगर देख लीजिएगा तो इंडिया में जो है ज़्यादातर क्रॉप लैंड डोमिनेंट है रीजन, ठीक है। वहीं पर यहाँ पे भी देख लीजिए, चाइना में देख लो, है ना। चाइना में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्या है? डिफरेंट अदर पर्पसेस के लिए वैसे पैश्चर्स है चाइना में बहुत ज़्यादा, है ना। कनाडा में भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, अमेजॉन ब्राज़ील का ही पार्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में देखो पैश्चर ज़मीन बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियरली यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आप समझे दैट इंडिया में क्योंकि कम है तो हमारे हमारा जो है फॉरेस्ट पॉलिसी भी बोलता है दैट हम जो है इस 22% फॉरेस्ट कवर को बढ़ाकर हमें 33% करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अगर आप जितने देखोगे तो यहाँ पर देखो फॉरेस्ट कंट्रीज का प्रोपोर्शन लैंड यूज जो प्रोपोर्शन है ना उनका फॉरेस्ट में ज्यादा है, ठीक है। बट वहीं पर इंडिया में ये कम है बहुत ज्यादा। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। जी हाँ, प्राइवेट लैंड मतलब वो लैंड जो कि आप खरीदे हुए हैं, आप अपना लैंड है, ठीक है। और कम्युनिटी लैंड मतलब वो लैंड जो क्या कम्युनिटी के यूज के लिए होता है, ठीक है, जो क्या सरकारी यूजुअली ज्यादातर होता है ना, जिसमें आप फोडर फ्रूट्स मेडिसिनल हर्ब्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। ये किसी का नहीं होता बट सबका होता है। अच्छा, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। देखो, लोग तो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट पॉपुलेशन के साथ क्या लैंड क्या बढ़ रहा है? लैंड क्या रबर है क्या? लैंड को आप खींचोगे और लैंड बढ़ जाएगा? नहीं, लैंड नहीं बढ़ रहा है। और क्वालिटी ऑफ लैंड जो हो रहा है ना वो भी डिफरेंट रीजन में अलग अलग है। पीपल हैव स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स, है ना, टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। बहुत ज्यादा ऐसे पहले कॉमन लैंड्स थे, अगर अपन मम्मी पापा लोगों से भी पूछेगा तो आपको वो बोलेंगे हाँ बेटा यहाँ पर तो पहले एकदम जब हम लोग छोटे थे वो बिल्कुल मैदान था, बट अभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए। मतलब क्या ये दर्शाता है? दैट पहले जो कॉमन लैंड्स थे उसको उसमें जो है कमर्शियल उसको कमर्शियल एरियाज में कन्वर्ट किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, और मेन इंश्योर किया जा रहा है दैट रूरल रीजन जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है रूरल रीजन में वो धीरे धीरे जो है डिमिनिश हो रही है, वो धीरे धीरे घट रही है ना। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं इन लैंड यूज पैटर्न अगर आप आज के जमाने में देखिएगा, है ना। एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा दिखाता है दैट हम भी कल्चरली कैसे चेंज हो रहे हैं। आप खुद ही सोचो ना, आप जब छोटे थे तो कोई रीजन आपको आपको पता होगा दैट वहां पे कुछ नहीं था, बट अभी जो है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, है ना।
पहले यार राशन का दुकान भी नहीं होता था, अभी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए। और कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिखा रहा है ना दैट हमारा कल्चर कैसे चेंज हो रहा है ना। तब के समय ये सब कुछ भी नहीं देखने को मिलता था, बट अभी जो है वेस्टर्नाइजेशन कितना ज़्यादा हावी हो गया हमारे देश के ऊपर। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉयल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन जो है, ये सब कुछ कुछ थ्रेट्स है जो क्या हमारे अभी के समय में जो है इकोलॉजीज में के द्वारा फेस किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ये जो लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, इसको कंजर्व कैसे किया जा सके। देखो नो डाउट, किस लिए डिमिनिश किस लिए हो रहा है, पहली बात तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो है डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लिए जो है फॉरेस्ट कवर्स का लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसीलिए जो है ना ऑफकोर्स नेचुरल रिसोर्सेज भी धीरे धीरे तबाह हो रही है। इसीलिए अगर इस डिजर्टिफिकेशन, अगर इस डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर इस डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को अगर हमें रोकना पड़ेगा तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा बाई टेकिंग कुछ कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या क्या होंगे, वो होंगे एफॉरेस्टेशन, दैट इज आपको पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे, यू हैव टू डू लैंड रिक्लेमेशन एज वेल। जी हाँ, आपको लैंड को रिक्लेम करनी पड़ेगी। ठीक है, जो लैंड बर्बाद हो गई है उसको यू नो कोशिश कीजिए दैट उसमें फिर से पेड़ पौधे कैसे ठीक से उगाया जा सके। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जी हाँ, आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी यूज को बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा, एंड द फर्टिलाइजर्स, एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स। मतलब ओवरग्रेजिंग बहुत रीजन में हो रहा है जिसके कारण जो है वो रीजन डिग्रेड हो जाती है, तो उस ओवरग्रेजिंग को कैसे चेक किया जाए, तो वो कैसे सब समझिएगा। ऑफ कोर्स आपको पहले पता करना पड़ेगा दैट उस ओवरग्रेजिंग का रीजन क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ है, जैसे यहां पर दिया हुआ लैंड स्लाइड से भी जो है एक बहुत ज्यादा लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है। ये से देखो, ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर जो है ना यहाँ लैंड स्लाइड का है। ये अब देखो पहाड़ था और यहाँ वाला जो ये पोर्शन ऑफ लैंड जो है ना ये सड़क के नीचे आ गया। अब नीचे जैसे आया गिरा तो यहाँ पे जितने सारे बिल्डिंग्स थे वो सब भी गिर गए, देख रहे हो। तो लैंडस्लाइड क्या है, इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट। जी हाँ, मास मूवमेंट ही ना होता है। देखो लैंडस्लाइड अलग है और इरोजन लेकिन अलग है। लैंडस्लाइड बेसिकली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है, इरोजन जो है, हाँ इरोजन आप बोल सकते हो दैट एक हद तक एक फैक्टर रहता है जो कि लैंडस्लाइड को इन्फ्लुएंस करने में बहुत एक माइनर फैक्टर निभाता है, बट मेजर फैक्टर जो है 99.99% जो है वो है ग्रेविटी। ठीक है, सो ग्रेविटी के कारण जो है हमारा मास मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनोस। जी हाँ, अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर क्वाइट फॉर सम टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक। जी हाँ, वही चीज़ बोला गया है, एक ही चीज़ जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है दैट लैंडस्लाइड्स के कारण जो है बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है दैट यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल होता है तो उसके कारण बहुत जगह देखा जाएगा हैवी लैंडस्लाइड्स आई है। ठीक है, हैवी, अब देखो सोचो यहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई, यहाँ से अगर नदी बहती तो उस नदी के ऊपर यू नो ये सारा मलबा गिर जाता है ना, मतलब नदी का रास्ता को ब्लॉक कर देता, मतलब इसके अपर कोर्स वाले, नदी का अपर कोर्स वाले रीजन में फ्लड आ जाता, आता क्या नहीं। तो वही चीज बोलता है, बहुत एक ह्यूज डिस्ट्रक्शंस किए जाते हैं। तो इसके मिटिगेशन मेजर्स क्या हो सकता है, इसके मिटिगेशन मेजर्स जो है हम साइंटिफिक टेक्निक्स के द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप बड़े बड़े कभी भी अगर आप पहाड़ों में चढ़िएगा ना तो आप देखिएगा ये अगर पहाड़ का रूट है तो ऐसे बड़े बड़े वॉल्स बने हुए रहते हैं। ये वॉल्स क्या है पता है, ये एक मिटिगेशन टेक्निक है। जी हाँ, है ना, ये वॉल्स बनाकर इंश्योर किया जाता है जिससे लैंडस्लाइड ना हो इस रीजन में। बहुत साइंटिफिक तरीके से ये वॉल बनाया जाता है, उतना साइंटिफिक तरीके से आपको जाने की जरूरत नहीं है दैट क्या क्या टेक्निक यूज किया जाता है, बट सिर्फ यही जान के रखिए दैट हाँ एक रिटेंशन वॉल बनाया जाता है जिससे लैंड को यू नो रोका जा सके फ्रॉम स्लिपिंग। ठीक है, अच्छा बहुत सारे ऐसे रीजन्स देखा जाता है, बहुत सारी सरकार जो क्या करती है ना हजार्ड मैपिंग क्रिएट करती है, वो मैप बताता है दैट किस किस रीजन में जो है मैक्सिमम ज़्यादा प्रोन है वो रीजन लैंडस्लाइड्स के। ठीक है, बहुत सारा आप मिटिगेशन मेजर में ये भी लिख सकते हो दैट हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे अगर काट लिए तो क्या होता है ना, पेड़ जो है सॉइल को पकड़ा हुआ रहता है, अगर पेड़ पौधा अगर वहाँ से हटा गया तो वहाँ का सॉइल लूज़ हो जाता है, लूज़ होने से लैंडस्लाइड आ जाता है, समझ रहे हो। तो ये सब फैक्टर आप लिख सकते हो। अब आ जाते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होता है भैया, ये एक थिन लेयर होता है ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस। आप मिट्टी देख, पता है ना वही मिट्टी ही है सॉइल भैया। ठीक है, तो ये बिल्कुल थिन लेयर होता है ग्रेनी सब्सटेंस का जो क्या हमारे अर्थ के सरफेस को कवर करती है। ठीक है,
अच्छा, वेरियस लैंड फॉर्म्स में आप डिफरेंट डिफरेंट अदर का किस्म ऑफ सॉइल आपको देखने को मिलेगा। सॉइल जो है वो बना हुआ रहता है ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल का, वेदर्ड रॉक्स का। जी हाँ, रॉक से ही जो है बेसिकली, देखो पहले क्या हुआ था ना, शायद ऐसा पेरेंट रॉक रहा होगा, ठीक है। अब पेरेंट रॉक में जो है वेदरिंग एक्टिविटीज हुई होंगी, ठीक है। तो वेदरिंग एक्टिविटीज के कारण जो है धीरे 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 जो है वो सॉइल बन जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा प्रोसेस है और उस प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट है वेदरिंग, ठीक है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जी हाँ, अगर सॉइल में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर एकदम सही प्रोपोर्शन का हो ना, तो वो काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी हो जाता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं सॉइल फॉर्मेशन के? ऑफकोर्स पेरेंट रॉक जिससे सॉइल बना है उसका नेचर है ना, वो कितना रेजिस्टेंट रॉक है ना, तो वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो एक पेरेंट रॉक फैक्टर हो गया, दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर, दैट वहां पे किस टाइप के क्लाइमेट प्रिवेल कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो है कोई भी रीजन का वो वेदरिंग को बहुत हद तक इफेक्ट इंपैक्ट करता है, समझ रहे हो बात। और मैंने बोला ना वेदरिंग से ही सॉइल फॉर्मेशन होता है। अदर फैक्टर्स जैसे टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, देन टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो क्या डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइम में जो है अलग अलग अपना भूमिका निभाती है। सॉइल सॉइल को अगर देखा जाए तो दोस्तों, इसमें पेरेंट रॉक का जैसे भूमिका लगा हुआ है, रिलीफ फीचर, फ्लोरा फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक फैक्टर प्ले करते हैं सॉइल के उपजाऊ शक्ति को डिटरमाइन करने को। टाइम और क्लाइमेट भी फैक्टर है। पेरेंट रॉक कैसे फैक्टर है? क्योंकि पेरेंट रॉक ही डिटरमाइन करता है दैट उस सॉइल का कलर कैसा होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा, क्योंकि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज वैसा ही ना होगा जैसे उसका पेरेंट रॉक का हो रहा होगा, समझ रहे। उसमें परमिएबिलिटी कितनी होगी, तो ये सब कुछ जो है पेरेंट रॉक के ऊपर डिटरमाइन होता है। रिलीफ, दैट इज किस रीजन से वो सॉइल बना होगा, वहाँ का एल्टीट्यूड एंड स्लोप, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं। फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो आप क्या होता है ना, दैट बहुत सारे रीजन्स में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो है आपका जाके ह्यूमस फॉर्मेशंस होता है, तो वो भी तो एक फैक्टर हुआ ना सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे भाई? देखो कोई भी रीजन का जैसे टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस उस रीजन में कैसा है, क्योंकि रेनफॉल के कारण जो है रेट ऑफ वेदरिंग बढ़ता है एंड घटता है। टाइम एक बहुत मेजर फैक्टर है जो क्या फर्दर डिटरमाइन करती है दैट थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल कैसा होगा कोई भी रीजन में, है ना। अच्छा, अब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल इरोजन या फिर डिप्लीजन जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं अभी के समय में बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। दोनों ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल फैक्टर जो है, इस ह्यूमन फैक्टर के कारण भी, नेचुरल फैक्टर के कारण भी जो है सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है ना। और फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, कौन कौन से फैक्टर है? डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है सॉइल डिग्रेड होता है, ओवर ग्रेजिंग के कारण सॉइल डिग्रेड होता है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ और पेस्टिसाइड्स के कारण जो है सॉइल डिग्रेड होता है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कुछ कुछ मेथड्स भी हैं भैया दैट जिससे सॉइल को कंजर्व किया जा सके। वो क्या होता है? जैसे मुल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है ना, द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ। देखो क्या हुआ ना, दैट आप सोचो फसल उगाए, ठीक है, फसल ऑफकोर्स पूरा पेड़ तो फसल नहीं रहता आपका, ठीक है। आपने धान उगाया तो धान का मेन पार्ट तो आपने ले लिया, बट बाकी जो फसल है ना, बाकी जो पूरा पौधा है, उस पौधे से आप जमीन को ढक दो, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, दैट सॉइल मॉइस्चर जो होता है जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन में पहले क्या होता था, जमीन में सूरज की रोशनी गिर रही है जिसके कारण सॉइल मॉइस्चर उड़ जाता था, बट वैसे करने से, मल्चिंग एक्टिविटी करने से जो है सॉइल मॉइस्चर नहीं जाता है, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर जमीन में रिटेन रहता है, ठीक है। एक तो फैक्टर हुआ जिसके जिससे आप सॉइल डिग्रेडेशन को रोक सकते हो, हुआ क्या नहीं। दूसरा है कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स में क्या होता है ना, स्टोन ग्रासेस एंड सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड द बैरियर्स अलॉन्ग द कंटोर्स। डिफरेंट कंटोर में जो है ना, जैसे ये कंटोर्स देख रहे हो, ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ बैरियर, जिससे क्या वाटर को कलेक्ट किया जा सके और वाटर को जो है ज़्यादा बर्बाद करने से रोका जा सके। इससे सॉइल का भी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा होता है। रॉक डैम। रॉक डैम क्या है? रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। बहुत समय ऐसा देखा गया दैट रॉक डैम बनाया गया है, क्यों भैया? जिससे वाटर के फ्लो को जो है ना स्लो अप किया जा सके। अब वाटर का फ्लो अगर स्लो होगा तो ऑफ कोर्स जिस रेट से बहुत तेज तर्रार वाली वाटर जो लैंड को डिग्रेड करती है उस रेट से नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो है ये स्टीप स्लोप्स में कैरी आउट किया जाता है, जैसे ये हुआ टेरेस फार्मिंग का एग्जाम्पल है ना,
जहाँ पे देखो सीढ़ी सीढ़ी किस्म का बना दिया जाता है। सीढ़ी किस्म का इसलिए बनाया जाता है जिससे सोचो एक सीढ़ी के ऊपर, वो सीढ़ी के ऊपर तो फ्लैट सरफेस रहता है, मतलब इस सीढ़ी के ऊपर वाला फ्लैट सरफेस में जो है आप कुछ फसल उगा सकते हो, फिर नीचे वाले स्टेप्स में भी आप कुछ फसल उगा सकते हो, समझ रहे हो। इससे एरिया भी रिस्पेक्टिवली बढ़ जाता है ना। तो टेरेस फार्मिंग के बारे में बोला गया है दैट दीज आर मेड अप ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट द फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो द क्रॉप्स, दे रिड्यूस द सर्फेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या डिफरेंट अदर क्रॉप्स लगाए जाते हैं डिफरेंट रोज में, ठीक है। तो क्या होता है ना दैट एक यू नो सॉइल का प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन रहता है, और साथ ही साथ सॉइल को यू नो रेन वॉश से भी प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट इज कंटूर प्लोइंग। प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप इज कॉल्ड कंटूर प्लोइंग। ये देखो ये सबसे अच्छा कंटूर प्लोइंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट देखो कंटूर्स बना दिए गए हैं ना, है ना। यहाँ से क्या होता है दैट वाटर जब भी आता है तो सरक सरक के एक पर्टिकुलर चैनल से निकल जाता है, इससे रन ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में किया जाता है अलॉन्ग द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। देखो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, यहाँ पे देखो सीरीज ऑफ प्लांट्स लगा दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए रहते हैं। इससे क्या होता है ना दैट इधर से अगर विंड बह रहा है तो विंड का वेलोसिटी जब इस रीजन को पार करेगा तो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, विंड का वेलोसिटी थोड़ा धीमा हो जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए किया जाता है क्योंकि विंड भी एक बहुत मेजर फैक्टर है फॉर सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, समझ रहे हो। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर के ऊपर। वाटर एक नो डाउट वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, बट हम लोग इसका इतना ज्यादा खपत कर रहे हैं दैट इसको नॉन रिन्यूएबल बना दे रहे हैं, ठीक है। 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस देखो वाटर के द्वारा कवर्ड है, ठीक है। इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लानेट, बोल ही सकते हैं इंडिया को, मतलब हमारे पूरा दुनिया को, अर्थ को वाटर प्लानेट। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन बिफोर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए अगर आपने साइंस की बुक पढ़ी होगी दैट लाइफ जो पहले आया था ना वो वाटर के ऊपर ही आया था। लाइफ पहले हम लोग नहीं आए थे, पहले वाटर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे। उससे जो है धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, एडाप्टेशन होता गया फीचर्स, और उसके बाद फर्दर जो है इंसान भी आए दुनिया में। इवन टूडे आज भी देख लीजिएगा तो ओशन कवर्ड 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट सपोर्ट्स अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। जी हाँ, अभी भी अगर देख लीजिएगा ना तो ओशन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस को ओशन के द्वारा ही कवर किया जाता है, और जो क्या एक रिच वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ भी सपोर्ट करती है। ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन। ओशन वाटर काफ़ी ज़्यादा नमकीन होता है, एंड ऑफकोर्स ओशन आप पानी पी नहीं सकते हो, बट फ्रेश वाटर अगर दुनिया में देख लीजिएगा तो टोटल परसेंट का 2.7% फ्रेश वाटर है, जिसमें 70% जो है ना वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में ही है। और ये आपको कहाँ पे प्रिडोमिनेंटली मिलेंगे, ये आपको अंटार्कटिका में मिलेंगे, ग्रीनलैंड में मिलेंगे, और हिमालयाज में भी। जी हाँ, हिमालयाज में ग्लेशियर्स है ना, एल्प्स माउंटेन में ग्लेशियर्स है ना, तो वहां पर भी जो है ये पूरा फ्रेश वाटर के कैटेगराइजेशन में आएगा, ठीक है। अच्छा, और फ्रेश वाटर का 70% जो ये सब रीजन में है ना, एंड ड्यू टू देयर लोकेशन ऑफकोर्स ये सब चीज़ें तो इनएक्सेसिबल है। मात्र 1% जो है फ्रेश वाटर ये अवेलेबल है, जो क्या ह्यूमन यूटिलाइजेशन के लिए बिल्कुल फिट है, एंड इट इज़ फाउंड इन वेयर ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, और जिसमें ग्राउंड वाटर का जो है सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस सब्सटेंस है। इनफैक्ट ये ऐसा कहा भी जा रहा है दैट वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना वो आपका जाके फ्रेश वाटर के लिए ही लड़ा जाएगा, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी के कारण। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जी हाँ, वाटर को आप ऐड भी नहीं कर सकते और सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो, इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना वो कॉन्स्टेंट रहता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कॉन्स्टेंट मोशन। जी हाँ, ये यू नो ये सिर्फ आपको एक रीजन में वेरी दिखने को इसलिए मिलता है ना क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मोशन है। आप खुद सोचो ना, पानी भाप बन के ऊपर जाती है, बारिश होती है, फिर बारिश जो है नदियों में मिलती है, नदी ओशन में जाता है, फिर ओशन में भाप बन के उड़ जाता है, फिर बारिश होती है, तो एक साइकिल बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमें प्रतीत नहीं होता, बट ओवरऑल जो है इनका वाटर का प्रोपोर्शन अवेबिलिटी जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। और ये इसको जो है मैंने जो बोला ना अभी, वाटर जो है भाप बन के उड़ता है फिर गिरता है, उस चीज़ को हम लोग टोटल वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग
एंड वॉशिंग, बट ऑल्सो फॉर डिफरेंट अदर पर्पस, जैसे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है, डैम्स बनाने के लिए और भी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है. देन इन पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स फूड का भी डिमांड बढ़ रहा है, कैश क्रॉप का डिमांड बढ़ रहा है, इसके लिए अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, ठीक है. मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इधर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर यू नो पॉल्यूशन. मतलब ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स है, दैट अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके कारण जो है एक बड़ा साइकिल सा हमें देखने को मिल रहा है, दैट लोगों का वाटर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यही नहीं वाटर पॉल्यूशन भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है. एन एवरेज अर्बन इंडियन जो है वो एक दिन में 135 लीटर ऑफ पानी इस्तेमाल करता है, जैसे पीने के लिए 3 लीटर, एक एवरेज इंडियन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. कुकिंग के लिए 4 लीटर, मैंने खाना बनाने के लिए. देन बाथिंग के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल के लिए 20 लीटर्स, देन गार्डनिंग के लिए 23 लीटर. मतलब अराउंड बोला गया है 100 से 135 लीटर तक पानी एक बंदा एक दिन में यूज़ करता है. बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी जो कि इस बुक में उठाया गया है. ये बोला गया दैट देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजंस. नो डाउट बहुत सारे रीजंस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी अभी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, ठीक है, ये सब बहुत सारे रीजंस है. एंड कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सक्सेसिबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी. मतलब वैसे कंट्रीज जो क्या वैसे क्लाइमेटिक जोन्स में है जो क्या ड्रॉट के ज़्यादा प्रोन है, तो वहाँ पर लेकिन ये स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. इसलिए वाटर शॉर्टेज मे बी ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन एज वेल, ठीक है. एंड अब देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं अपने वाटर रिसोर्सेज को. हमें इंश्योर करना पड़ेगा क्लीन और एडिक्वेट वाटर यू नो सोर्सेज को यू नो लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, क्योंकि यही जो है मेन प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है दुनिया भर में. स्टेप्स हैव्स टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज. स्टेप्स को हमें लेना ही पड़ेगा. जो भी फैक्टर्स है जिसके कारण वाटर पॉल्यूट हो रहा है या फिर बर्बाद हो रहा है उसको हमें रोकना की जरूरत है. इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, नो डाउट वाटर का रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट हम इतना ज़्यादा उसका ओवर यूज और पॉल्यूट कर रहे हैं ना, दैट वो नॉन रिन्यूएबल हो जा रहा है, ठीक है. डिस्चार्जिंग ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, देन एग्रीकल्चर केमिकल्स डायरेक्टली जाके वाटर में मिल जाते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डायरेक्टली जाके वाटर में मिल जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर को. हैवी मेटल्स वाटर में जमा हो जा रही है, ठीक है. मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स बींग नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो हैवी मेटल्स है ना, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जो क्या बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बॉडीज के भीतर घुस जा रही हैं, ठीक है. और इसीलिए जो है लोगों को बहुत विभिन्न किस्म का बीमारियाँ भी होता है. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लोज द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश द अंडरग्राउंड वाटर. वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ एंड वाटर इज यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स. वाटर किस लिए यूज़ किया जाता है, फील्ड को इरीगेट करने के लिए. कैनाल्स जो है वो ऐसा बोला जा रहा है दैट अगर हम कैनाल्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें जिससे कम से कम पानी का इस्तेमाल हो सके वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है. स्प्रिंकलिंग एग्रीकल्चर ये काफ़ी ज़्यादा अभी के दिनों में फेमस हो रहा है, ठीक है. इसमें क्या होता है ना, ये देखो वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है बेसिकली, समझ रहे हो. तो ये वाटर का जो बहुत ज़्यादा फालतू का यूजेज जिसको है उसको घटाया जा रहा है इससे, ठीक है. तो ओवरऑल वाटर रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है और हमें इंश्योर करना चाहिए इसको कंजर्व करना, ऐसा बोला गया इस बुक में. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर चर्चा करें तो अगेन ये स्टोरी दिया हुआ है जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेन कंटेंट, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है दे एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर, जिसको हम लोग बायोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है. बायोस्फेयर में ही ना हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंस का मिलता है. सो बायोस्फेयर में जो है लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जी हाँ, हर लिविंग बींग्स ले लो, हम जैसे एक पेड़ पौधा भी तो लिविंग थिंग्स ही हुआ, हम भी लिविंग थिंग है तो हम पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है ना, हुआ ना कोई ना? मतलब हर एक जानवर दूसरे के ऊपर, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक
लिविंग क्रिएचर जो है दूसरे लिविंग क्रिएचर के ऊपर डिपेंडेंट है. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. ठीक है. अच्छा, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है. प्लांट जो है वो यूज क्या करता है, टिम्बर को, जिसके थ्रू जो है शेल्टर प्रोवाइड मिलता है एनिमल्स को. ठीक है. और इसी से जो है एक ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है जो कि हम लोग ब्रीथ करते हैं. इट प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ शेल्टर बेल्ट विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. जी हाँ, फॉरेस्ट जो है नो डाउट सॉइल को तो बाइंड करता ही है, मतलब उसको यू नो डिग्रेड होने से बचाता है. ठीक है. बट वहाँ पर जो है हम लोग ये वर्क एज अ शेल्टर बेल्ट भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे यू नो वाइल्ड लाइफ के लिए. ठीक है. उसके कारण जो है अंडरग्राउंड वाटर भी अच्छे तरीके से स्टोरेज होती है. बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, जैसे जिसको फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स है ना, गम, मेडिसिनल प्लांट्स जो है, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही ना हुए, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज के तरह भी इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा जैसे मेडिसिनल प्लांट्स ऑफकोर्स आपके सेहत को ठीक करते हैं, एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज ऑल सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज. देर आर इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ वाटर एंड यू कैन एड सम मोर. जी हाँ, बहुत सारे यूजेज है वाटर का, बट आप अगर चाहें तो और भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स क्या क्या, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, एक्वाटिक लाइफ, फ्रॉम एवरीथिंग जो है वो वाइल्ड लाइफ के अंडर आता है. और क्यों, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का मैंने डेफिनेशन क्या किया था, वैसा लाइफ जो कि वाइल्ड में रहता हो, जहां पर ह्यूमन का इंटरवेंशन ही नहीं है. ठीक है. तो जैसे एक्वाटिक लाइफ, वो भी तो वाइल्ड लाइफ ही हुआ ना भाई. डॉल्फिन जो रहते हैं वहां पर क्या कोई ह्यूमन क्या मतलब कुछ इंटरवीन करता है क्या ओशंस पे जाकर, नहीं ना. दे प्रोवाइड अस मिल्क, वेरियस प्रोडक्ट जैसे मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल. इंसेक्ट्स जैसे बीज देख लो, वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, है ना, शहद पीते हो ना भाई. इट हेल्प इन पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, जो कि अगर इंसान को अगर आप लगाओगे पॉलिनेट करने के लिए तो इंसान को पैसा देना पड़ेगा, बट हनी बीज को पैसा भी नहीं देना पड़ता है, फ्री का काम हो जाता है. ठीक है. एंड दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द डिकम्पोजर, एज अ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम एज वेल. जी हाँ, बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजर्स भी होते हैं, जैसे यू नो ईगल. ठीक है. तो वो डिकम्पोज कर देते हैं चीज़ों को, है ना, तो यू नो फ्री का सब कुछ हो जाता है. तो बेसिकली ये सब जो है ना, जो भी वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो है हमें इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और वो सब बिल्कुल फ्री का होता है. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट्स एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल. जी हाँ, बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स के ऊपर भी फीड करते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि एज अ डिकम्पोजर्स भी काम करते हैं. वल्चर्स, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज अ स्कैवेंजर. वल्चर को जो है हम स्कैवेंजर भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि वो मरे हुए जो चीज़ें हैं उस पर ही मतलब वही चीज़ों को वल्चर खाता है. एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वाइटल क्लिंजर ऑफ द एनवायरमेंट. बट वल्चर की प्रोपोर्शन जो है धीरे धीरे घट रही है. क्यों, क्योंकि हम लोग इंसान जो है बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स यूज करते हैं जिसको खाकर जो है जिसको वो लोग, जैसे गाय को अगर पेन हुआ ना तो उसको एक दवाई खिला दिया जाता है जिसको कहते हैं डाइक्लोफिनाक. ठीक है. अब वो दवाई जो है वल्चर के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि अगर वो वल्चर अगर उस जानवर को खाएगा जिसने डाइक्लोफिनक खाया है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वल्चर में भी घुस जाएगा, और वल्चर के लिए वो हानिकारक है. उसको वल्चर का जो है मृत्यु जो होती है ना, ज़्यादातर इस डाइक्लोफिनक टैबलेट के कारण ही होती है. ठीक है. इसलिए सरकार ने उसको बैन कर दिया है हमारे देश में. सो मेनी एनिमल्स, बिग और स्मॉल, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग द बैलेंस इन इकोसिस्टम, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेचुरल वेजिटेशन का देख लीजिएगा, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो है वो डिपेंड करता है प्राइमरली ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर और मॉइस्चर. कोई भी रीजन का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितनी है, उसी के आधार पर आप वहाँ पर वेजिटेशन देख सकते हैं. ठीक है. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप इनटू फॉरेस्ट वेजिटेशन, ग्रासलैंड, स्क्रब, टुंड्रा. ठीक है. इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत सारे बारिश होती है, तो वहाँ पर आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे, ह्यूज ह्यूज ट्रीज जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो इसलिए वो फॉरेस्ट जो है आराम से थ्राइव भी कर सकते हैं, और उसको हम लोग यूजुअली हेवी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. क्योंकि वहाँ पे सब समय वाटर सप्लाई होता रहता है, तो वो पेड़ जो है कभी सूखते नहीं है. ठीक है. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ द ट्रीज. उस रीजन में जहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा कम है, वहाँ पर ट्रीज जो है स्टंटेड साइज के आपको मिलते हैं. ठीक है. देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, काफ़ी ज़्यादा कम आपको ट्रीज मिलेंगे अगर कोई रीजन में कम वाटरफॉल होता है तो. इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. इन द ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल अगर देख लीजिएगा, थॉर्नी श्रब्स और श्रब्स जो है वो ग्रो होता है. इन सच एरियाज
Plants have deep roots and leaves heavy thorny and waxy surfaces. जैसे ये कहाँ पर होता है बताइए तो? डेजर्ट एरिया में. क्यों भैया थॉर्नी और वैक्सी सर्फेसेस क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ट्रांसपिरेशन कम से कम करना होता है. ठीक है. टुंड्रा वेजिटेशन और कोल्ड पोलर रीजन में जो है आपको ज्यादातर मॉसेस और लिचेंस आपको देखने को मिलेंगे. फॉरेस्ट को जो अगर ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं आप एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट में, डिपेंडिंग ऑन द वे दे शेड देयर लीव्स. ठीक है. एवरग्रीन में कभी भी जो है मतलब लीव शेड होता है, बट यू नो हर साल में जो है सब समय शेड होता रहता है, बहुत कम कम प्रोपोर्शन के. ये बट डेसिड्यूस में क्या होता है ना, साल का एक समय आता है जब एक ही साथ सारा लीव शेड आउट हो जाता है, समझ रहे? तो उसको डेसिड्यूस के कैटेगराइजेशन में रखेंगे. बट एवरग्रीन जो है वो सब समय आपको हरा भरा ही दिखेगा. एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव साइमल्टेनियसली, बट वहीं पर डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो कोई पर्टिकुलर सीजन में जो है अपना यू नो लीव्स को शेड आउट कर देता है. किस लिए भैया? क्योंकि उसको मॉइस्चर लॉस को रोकना है थ्रू ट्रांसपिरेशन जो होता है. ठीक है. These forests are further classified into tropical and temperate based on their location of different latitude. तो latitude locations के आधार पर जो है उनको further temperate evergreen, tropical evergreen और temperate deciduous, tropical deciduous के आधार पर हम लोग तोड़ते हैं. You have learned in detail about the various forest types. जी हाँ, हम लोगों ने past classes में ही पढ़ लिए थे, तो अभी ज़्यादा आपको सब of course याद होगा ना. नहीं याद है तो भैया नीचे में देखो, इस वीडियो के नीचे सेक्शन में जो है एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है. ठीक है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेयर टू सेंचुरीज बैक. जी हाँ, एब्सोल्यूटली ट्रू है. सो क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ लोग हैं तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट ज़्यादा नंबर ऑफ खाना भी बनाया जा सके, जिससे उन लोगों को खिलाया जा सके, है ना. रिसोर्सेज तो अवेलेबल करवाना पड़ेंगे ना. तो इसलिए लार्ज फॉरेस्ट एरिया जो है उसको धीरे धीरे क्लियर कर दिया जा रहा है और उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली एंड देर इज अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स. नो डाउट दुनिया भर में जो फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे ये वैनिश हो रहा है, इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट कैसे इस वैल्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके आने वाले समय में. अब आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, लास्ट टॉपिक. फॉरेस्ट नो डाउट ये हमारा वेल्थ है और प्लांट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है डिफरेंट एनिमल लाइफ्स को. ठीक है. और बहुत सारे ऐसे यू नो लिविंग बींग्स को जो कि अल्टीमेटली इकोसिस्टम का पार्ट है. ठीक है. सो अगर क्लाइमेट में कोई भी चेंजेस आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेटिक चेंज या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर किया जा रहा है, तो इससे हमें देखने को मिल रहा है दैट नेचुरल हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाता है. बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जो कि वल्नरेबल हो गए हैं या फिर इंडेंजर्ड है एंड सम आर ऑन द इवन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. कुछ कुछ तो एक्सटिंक्ट होने वाला है. डिफॉरेस्टेशन ले लो, सॉइल इरोजन ले लो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ले लो, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड, दे आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स जिसके कारण जो है ना अभी ये जो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सटिंक्शन जो है ये बढ़ गया है. वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग. पोचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके कारण जो है शार्पली डिक्लाइन हो रहा है इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज. ठीक है. द एनिमल आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड. किसका? स्किन का, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, है ना, तेल निकाला जाता है, फिदर्स जो है मार्केट में बेचा जाता है. इसके कारण जो है पोचिंग भी की जाती है और पोचिंग के कारण भी कहीं ना कहीं हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है. सम ऑफ दीज एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट. एलिफेंट का क्या, वो दांत जो होता है ना बड़ा बड़ा, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकता है. डियर, ब्लैकबक, क्रोकोडाइल, राइनोसरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक. दीज कैन बी कंजर्व्ड By increasing awareness. जी हाँ, इसको कंजर्व किया जा सकता है अगर हम अवेयरनेस को इंक्रीज कर सके. जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया जाता है बताइए तो? नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ना. तो ये कहीं ना कहीं एक अंदेशा भी तो मतलब संदेश भी तो पहुंचाता है ना मास के लिए. देखो भैया, हम लोग सरकार इतना काम कर रही है जिससे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है, जिसको जिससे इन लिविंग स्पीशीज या फिर वाइल्ड लाइफ को जो है इन सीतु प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जा सकता है. कंजर्वेशन कर किया जाता है क्रीक्स का, लेक्स का, वेटलैंड का, है ना. इनफैक्ट वेटलैंड्स में एक कन्वेंशन भी है बहुत बड़ा, रामसार कन्वेंशन, जिसके अंडर जो है बहुत सारे वेटलैंड्स को इंक्लूड भी किए गए हमारे देश में. ठीक है. तो इसलिए किया गया है जिससे ये इंश्योर किया जा सके दैट आने वाले समय में जो इन रीजन्स को जो है वो सेव किया जा सके. देर इज अ बैलेंस इन एनवायरमेंट. इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब, ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेशंस ऑफ मेनी स्पीशीज. जी हाँ,
ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसे हो गया ना, हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऐसे कर रहे हैं जिससे बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स को जो है हम लोग एक्सटिंक्शन के कगार पर हम लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला, पोचिंग के कारण इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग किया जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हम लोग फैक्ट्री से आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो रहा है जिससे जो माइग्रेटरी बर्ड्स का ट्रेंड है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ठीक है, या फिर जो पहले जितने रेट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे वो चीज़ नहीं आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाया जाता है जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है अभी बहुत ज़्यादा इंकरेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन जो है एक मेजर सोर्स है, स्कूल चिल्ड्रन्स को स्कूल में ही सिखाया जाना चाहिए दैट कैसे भैया कंजर्व किया जा सके स्पीशीज़ को, डिफरेंट हैबिटाट्स जो है, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो है हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेड्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल। बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसा कानून पास किया गया है जिसमें बोला गया दैट बर्ड्स और एनिमल्स को अगर आप मारते हो तो वो इलीगल है, इसके कारण आपको जुर्म आई मीन आपको कुछ जुर्म भी भुगतना पड़ सकता है, सजा भुगतना पड़ सकता है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए हैं, ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंदर वेरियस शेड्यूल किए गए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, जिसके आधार पर डिफरेंट वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, समझ रहे हो बात। इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे साइट्स, ये कन्वेंशन भी किया गया है, ये इंश्योर करता है दैट स्पीशीज का जो ट्रेड होता है ना वाइल्ड स्पीशीज का, उसको रोका जा सके, ठीक है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स, वेरियस गवर्नमेंट्स, जिसका मेन एम है दैट इंटरनेशनल ट्रेड का जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो स्पेसिमेंट्स जैसे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स का जो को ट्रेड किया जाता है वो जिससे ना हो, उसको जैसे रोका जाए जा सके, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स है जो कि आप सजेस्ट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी लेसन। इसी के साथ दोस्तों ये लेसन समाप्त करते हैं, और आपका ये टास्क है, ये वाला जो चीज़ है इसको आप एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, दोनों चीज़ हमने अच्छे से पढ़ा दिया और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ ये लेसन मैं समाप्त करता हूँ, दैट इज चैप्टर 2 हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू, थैंक यू वेरी मच गाइस।